अजय तो आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन इस स्थापना दिवस के का जो मनाने का तरीका है वो अलग है। अलग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो राजद के कार्यकर्ता है उसके द्वारा साइकिल जुलूस निकाला जा रहा है, साइकिल से कार्यकर्ता जो है वो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व MLC आज़ाद गांधी जी हैं। गांधी जी, क्या मायने रखता है इस तरह से साइकिल से आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोगों के नेता का निर्णय है, आज हम लोगों का पार्टी का 24वां स्थापना दिवस है। 24 बरस के अंदर लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की क्रांति पैदा की वह देश दुनिया के लिए एक मिसाल कायम है। और ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 6 बरस के दरमियान में इतनी महंगाई, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पेट्रोल और डीजल 34 रुपये लीटर था तो ये लोग जो है पूरा रोड को दिल्ली चांदनी चौक से लेकर के इंडिया गेट को जाम करते थे। आज हमारे बीच सुषमा स्वराज जी नहीं हैं, लेकिन उनका देखते थे हम लोग नाटक जो है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने महिला लोग हैं गैस सिलेंडर लेकर करके प्रदर्शन करती थी। आज स्थिति भय से ब्याह गरीब गुरबा लोग अब गाड़ी पर चढ़ने के लायक नहीं है, स्थिति कम कमर तोड़ महंगाई है। अपना लोग जो है घरों में गाड़ी क्या लग रहा है गांधी जी, इस कमर तोड़ महंगाई के बीच जनता इस बार बिहार में क्या करने वाली है? लालू जी की सरकार एकदम देख लिए बिहार की जनता, खास करके गरीब गुरबा अति पिछड़ा समाज दलित अकलियत लोगों ने जो जूझ रहा झेल रहा है महंगाई का, अपराध बढ़ गया बिहार में, आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस राज्य में। तो गरीब गुरबा लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। लोगों ने नेता मान लिया तेजस्वी यादव जी को, और तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदान करने का मन बिहार की जनता मना लिया है। आने वाला 2020 का जो चुनाव होगा इसमें मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तो अरे गांधी जी मेरा कहने का मतलब यह है, जो आप कह रहे हैं जिस पर सरकार बनाने जा रही है तेजस्वी यादव जो होंगे सरकार के मुखिया होंगे आने वाले समय में, जो इस बार चुनाव होगा, लेकिन आपके पार्टी के कई MLC जो है दिल्ली में चले जाते हैं, रघुवंश की पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी में आपको लगता नहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी अनुशासन जिसको कहता भरपूर अनुशासन है, तो लोग तो लेकिन निकल जा लोग रहे जो जाने वाले हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। राजगी राष्ट्रीय जनता दल एक महासमुंद्र है, महासमुंद्र में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, अगर एकाध दूगो जीव जंतु निकल जाता है इससे राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या कहेंगे, उन्होंने भी तो त्याग पत्र दिया ना। रघुवंश प्रसाद जी ने त्याग पत्र दिया लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने स्वीकार नहीं किया, समझे कि नहीं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि जो इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, रघुवंश बाबू हम लोगों के तमाम लोगों के गार्जियन हैं, रघुवंश बाबू पार्टी छोड़ने वाले लोग नहीं है। लोग जिसको कहते हैं जब से स्थापना हुआ था तब से रघुवंश बाबू लालू जी के साथ हैं। देवमुनि जी क्या कहेंगे, सरकार इस बार बन पाएगी, अब पार्टी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है? पार्टी में जो कोई घमासान नहीं मचा हुआ है, ये लोग MLC थे समझे, तो MLC तो ये लोग लालू जी के तेजस्वी जी पार्टी ने लोगों को टिकट दिया था, और अब लग रहा है इन लोगों को कि सत्ता में नीतीश कुमार के साथ रह के कुछ कमाने धमाने काम करेंगे, ठीका पता करेंगे, समझे। राष्ट्रीय जनता दल सिद्धांत की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और इसमें उस तरह के लोग को तो जगह नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने इन लोगों को टिकट दे के MLC बनाने का काम किया है। जहाँ तक रघुवंश बाबू के, रघुवंश बाबू ने बीमार हैं, रघुवंश बाबू का इस्तीफा अस्वीकृत हो गया है, और स्वस्थ होने पर रघुवंश बाबू पहले के तरह वो जो पार्टी के काम करते रहेंगे। गीता बुलंदी से रघुवंश बाबू ने पार्टी का काम किया, पार्टी की स्थापना काल से दल में है, और कर्पूरी जी के काफ़ी करीबी थे, लालू जी के करीबी हैं, और जो ठीक है देवमुनि जी, गांधी जी क्या कहेंगे, चुनाव भी होना है,
और आप भी प्रत्याशी हैं, कैसे अब इस लॉकडाउन में कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव का भी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन तमाम लोग तैयारी पर लगे हुए हैं। हम बधाई देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को, हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता तेजस्वी यादव को। ये काफ़ी सोच का नेता है, जितना हम कहें जो कम कहें इनको, इनके बारे में। तेजस्वी यादव जी ने पहला टिकट बिगुल बजने के पहले, जो महाभारत होने वाला 2020 का, उसके पहले एक अति पिछड़ा परिवार को टिकट दिया, एक भरोसा जताया है बिहार के अति पिछड़ों पर। हम इस कसौटी पर उतरेंगे और लगता है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का भी मतदाता गोलबंद हो गया है। कोई अभी सामने टक्कर में नहीं है, जीत निश्चित नहीं, ये मेरी जीत नहीं, ये पार्टी की जीत है। और पहला खाता राष्ट्रीय जनता दल का पटना स्नातक से खुलेगा। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय देवमुनि प्रसाद यादव जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एड़ी चोटी किए कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का, मतदाताओं से संपर्क करने का हम लोग लगे हुए, और विधानसभा के भी हम लोग जो है चुनावी तैयारी कर रहे हैं। और विधानसभा का जो चुनाव है ये तो लगता है एक तरफा चुनाव है। ये तो नीतीश कुमार चाहता है कि कल ही चुनाव हो जाए, कभी कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, कभी कहता है कि हम घरे घर वोट करवावेंगे। ये सब तो सोच रहा लोग, जो पुआ पका रहा है ये पुआ पकने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव के पक्ष में बिहार की 99.9% जनता मन बना लिया कि अभी युवा नेता को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, एक बदलाव आएगा। 15 वर्षों के शासनकाल में गरीबों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो शोषण हुआ, आप देख रहे हैं प्रतिदिन शोषण अत्याचार हो रहा। इनके नेतृत्व में आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, देखिएगा ओरिजिनल बिहार रहेगा, बढ़ता बिहार रहेगा, खुशहाली का बिहार रहेगा और विकास का बिहार रहेगा। ये हमारे साथ आजाद गांधी थे, आप देख सकते हैं कि राजद के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है साइकिल जो है एक दुरुस्त निकाला गया है, उसमें पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के जो है बढ़ोतरी को लेकर के जो है इन लोगों का जो है विरोध प्रदर्शन। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों को आप देखते रहे। डी न्यूज़ सहयोग राजेश कुमार के साथ अनुसूचना डी न्यूज़ पटना।